राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हमने स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट की सीरीज़ में 4 पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उनको देख के आइए और फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू करें। हमने एक ऐसी सीरीज़ तैयार करी है जिसमें आप एक नज़र में, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, तो एक नज़र में आप खुद की कुंडली से बता सकते हो कि मेरी कुंडली में ग्रह स्ट्रांग है या वीक है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। अभी तक हमने 4 तरीके सीखे हैं, जिसमें सबसे पहला, कोई प्लेनेट अपनी एग्जॉल्टेशन साइन में है तो स्ट्रांग है। दूसरा हमने सीखा मूल त्रिकोण, अगर वो मूल त्रिकोण में है तो भी स्ट्रांग है। और हमने सीखा ओन साइन, अगर वो ओन साइन में है तो भी स्ट्रांग है। ठीक है, फिर हमने फ्रेंड एनिमी साइन देखा था, फिर PAC यानी प्लेसमेंट एस्पेक्ट ऑफ कंजंक्शन, ये भी सीखा था। तो ये 4 तरीके हमने सीखे। इन चार तरीके से हम समझ सकते हैं कि ग्रह स्ट्रांग है या वीक है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है प्लैनेट को समझना। एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी सिंपल। मैं इस एस्ट्रोलॉजी को बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप अच्छे से इसको समझें। और अभी तक आपने अगर चारों पार्ट नहीं देखें तो पहले उनको देख के आइए। अब हम बात करने वाले हैं अपनी पार्ट 5 का जो पॉइंट है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। ठीक है, एक ये भी पॉइंट आता है, जब हम किसी प्लेनेट की स्ट्रेंथ देख रहे होते हैं तो वो इसमें आता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। अगर उस प्लेनेट के पास अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है तो भी वो बली है। ठीक है, और अगर आपने हमारा पार्ट 4 देखा हो, बड़ा अच्छा वीडियो है, काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत इसके लिए अप्रिसिएट किया था कि पार्ट 4 में हमने पूरी तरीके से बताया है कि कैसे प्लेनेट को हम जज करें। एक प्लेनेट मान लो केंद्र त्रिकोण में बैठा है और उच्च का भी है और मूल त्रिकोण में भी है तो बहुत बली हो गया। तो यहाँ पर हम जब ये एक एक करके हम जब सीख रहे हैं, फिर बाद में हम इसको मिक्स करेंगे। जब हम कुंडली को डिकोड करना सीखेंगे तब हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे, और मिक्स जब करेंगे तब आपको ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में हमें ये जो कुछ प्लैनेट्स यहाँ पर मैंने बिठा रखे हैं, तो यही है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कि आपकी कुंडली में, मैंने यहाँ पर कुंडली में नंबर नहीं लिखा, कोई नंबर नहीं लिखा। अगर आपको डायरेक्शन पता हो तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये ईस्ट होती है ना, समझ रहे। ये वाली जो डायरेक्शन होती है कुंडली की, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है और ये साउथ होती है। ठीक है, वैसे तो हम एस्ट्रोलॉजी से वास्तु भी कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे प्रॉपर। तो अभी आप इसको समझें कि अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में गुरु या बुध या दोनों बैठे हों, तो गुरु और बुध को यहाँ पर अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। यानी वो आपकी कुंडली, अपनी अपनी कुंडली उठाओ देखो, अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह चाहे नीच का बैठा हो चाहे शत्रु राशि में बैठा हो, अगर वो फर्स्ट हाउस में है तो गुरु का तत्व आपके अंदर आएगा। ठीक है, सेम बुध चाहे कैसा भी हो, बुध का जो जो बुध का तत्व है वो भी आपके अंदर आएगा। ठीक है, तो एक एक प्लेनेट का काफ़ी सारी मल्टीपल्स ऑफ चीज़ें होती हैं, वो भी हमने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। अगर शॉर्ट में मैं आपको देखो, हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी और उन्होंने हर एक एक चीज़ों को कुछ 9 प्लैनेट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि हमारी जो बुद्धि होती है, बुद्धि वाली चीज़ें होती हैं, पढ़ाई करने की चीज़ें होती है, स्टेशनरी होता है, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, हमारी रीजनिंग होती है, ये सब बुद्ध है। ठीक है, या तो हमने बुद्ध लिख लिया या मल्टीपल सब चीज़ें लिख लो, वो कन्फ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ बुद्ध लिखा। ठीक है, अब ये गुरु है, ठीक है, जुपिटर यानी गुरु,
तो गुरु क्या है? हमारा बिलीफ है, हमारी धार्मिक क्षमता है, हमारी रीजनिंग है, हमारा विजडम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखकर हम बताते हैं। नेक्स्ट, शुक्र और चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, आपकी कुंडली में कोई भी राशि लिखी हो, कुछ भी लिखा हो, अगर इस हाउस में वीनस और चंद्र शुक्र या चंद्रमा या कोई एक बैठा हो या दोनों बैठे हो, तो यहाँ पर ये अपनी स्ट्रेंथ लेके बैठे, यानी वो बलि है। अब एडिशनल कि अगर ये शुक्र और चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं, अगर वो उच्च के हो, मूल त्रिकोण में हो, ओन में हो, तो ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ डाइजेशन स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, इसको आराम से अच्छे से समझो, डाइजेस्ट करो, फिर हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे, कुंडली डिकोड करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो होता है, ये सेवंथ हाउस होता है, सेवंथ हाउस में शनि अपनी डायरेक्शन स्ट्रेंथ लेकर बैठता है। सन एंड मार्स यानी सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह टेंथ हाउस में अपनी डायरेक्शन स्ट्रेंथ लेकर बैठता है। तो ये हमारा जो वीडियो था जिसमें हमने बताया कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ क्या है, ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को जज करने का। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी कुंडली में शनि सेवंथ हाउस में यानी जो हमने बताया यहाँ पर बैठा हो, आपकी किसी की कुंडली में शनि सेवंथ में बैठा हो, चाहे कोई भी राशि में बैठा हो, सेवंथ हाउस क्या होता है? सेवंथ हाउस होता है ससुराल का, पत्नी का, ठीक है, और बिजनेस का। तो शनि यहाँ पर बैठकर इन तीनों चीज़ों में खूब इज्जत दिलाता है, रिस्पेक्ट दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि सेवंथ में बैठा है, तो आपके अपने ससुराल में, अपने पत्नी के घर के से या आपके बिजनेस से बहुत इज्जत मिलेगी। गॉट माई पॉइंट। तो ये जो काम, अब देखो हम और डीप में चलें, देखो जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ तो काफ़ी डेप्थ में हम जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा डेप्थ और सुनना चाहते हैं, तो हमारी कुंडली का एक चार्ट होता है D10। ये तो हम D1 की बात कर रहे हैं, D10 चार्ट में भी हमें डायरेक्शन स्ट्रेंथ देखनी है। D10 चार्ट में अगर शनि सेवंथ में बैठा है, तो आप वो काम करेंगे जिसमें आपको बहुत इज्जत मिलती है ना। आपको देखो, अपनी अपनी कुंडली उठा के देखो, आपको मजा आएगा। D10 जो चार्ट होता है हमारे व्यवसाय का होता है। अगर D9 में सेवंथ में शनि है, तो आपके अपने ससुराल में बहुत इज्जत मिलेगी, ठीक है। तो आप करके देखना, काफ़ी मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। और उल्टा, अगर शनि यहाँ पर, हमने सेवंथ हाउस में बताया बलि है, इसके अपोजिट में शनि बैठा हो, तो बिल्कुल वीक हो जाता है, बिल्कुल लो हो जाता है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, एक और सीरीज बनाएंगे जिसको कहेंगे कि ये प्लैनेट वीक है। अभी हम प्लैनेट की स्ट्रेंथ पर बात कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे प्लैनेट की वीकनेस, ठीक है। आप बहुत इजीली जज कर पाएंगे, कुंडली से समझ पाएंगे, और वेरी इंटरेस्टिंग है। अभी मैं थोड़ा सा अगर आपको और आइडिया दूँ, सन एंड मार्स, मेरा एक क्लाइंट है, टेंथ हाउस में सन बैठा है, और उसके टेंथ हाउस में जो सन बैठा है ना, ये 1 नंबर में बैठा है। एक तो वो टेंथ में चला गया, अपनी डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिल गई, साथ में मेष राशि में बैठा है, यानी मित्र राशि में बैठा है। और मेष राशि में, अगर आपने देखा ये वाला पार्ट, तो मेष राशि में ग्रह सूर्य ग्रह उच्च का हो जाता है, ठीक है। तो इन बातों से समझ में आता है कि सूर्य ग्रह उसका बहुत स्ट्रांग है। और आज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी पदवी पर है, मैं उसका नाम यहाँ पर रिवील नहीं कर सकता। वो एक कुछ लॉ से रिलेटेड काम करते हैं और कोर्ट में जाकर केस वगैरह लड़ते हैं, बहुत अच्छा, बहुत टॉप का काम है। और सन जिसका मजबूत होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति, जैसे कि मान लो ये भीड़ है,
भीड़ में अलग ही चमकता है, ऊपर उठता है। तो इतना आप समझ पाए होंगे। मैं चाहता हूँ आप पहले इन सब चीज़ों को समझ लें और थोड़ा सा मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट के थ्रू मुझे बताएं कि मुझे ये समझ में आ रहा है, तो मुझे थोड़ा एक मोटिवेशन फील होगा जिससे हम आगे और अच्छा वीडियो बनाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आपको हम डिकोड करना सिखाएं, ठीक है। अभी तो हम एक छोटा सा बेसिक चल रहा है जिसमें हम प्लैनेट की स्ट्रेंथ पे बात कर रहे हैं। जितनी भी मैंने यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देखता हूँ, हर कोई आज के समय पर नहीं बता रहा कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। ये सब ने बता रखा लेकिन सीरीज़ नहीं है, किसी के पास कोई ऐसी सीरीज़ नहीं है कि हम स्ट्रेंथ कैसे पता लगाएं। तो जितनी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं या कहीं भी मेरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सारा मैं यहाँ पर लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम पूरा स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट के बारे में डिस्कस करेंगे, सारा स्ट्रेंथ बता देंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे चैनल पर आइए और हमें सब्सक्राइब भी करिए। और हमारा अगर आपको कुछ समझ में आता है, बढ़िया लगता है, तो हमारे वीडियोस को शेयर भी करें, ठीक है। चलिए ठीक है, राधे राधे।